हाय गाइस, हेलो दोस्तों, स्नेक रेस्क्यू मीठू मातों में आपका स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में एक प्लेस नज़र आ रहा होगा, आपको समझ रहे होंगे कि ये कौन सा प्लेस है। काफ़ी सारा कार्टून रखा हुआ है, यानी कि एक गोदाम है। गोदाम के अंदर में स्नेक आया हुआ है, कौन सा स्नेक है मालूम नहीं, देखते हैं। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाएंगे कौन सा स्नेक। काफ़ी लंबा साइज का, बिग साइज का था, वो घुसते हुए देखे हैं इस गोदाम के अंदर में घुसा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्नेक है, नॉन वेनेमस या फिर वेनेमस स्नेक है, जहरीला या फिर बिना जहर वाला है। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। स्नेक रेस्क्यू मीठू मातों के नाम से चैनल है दोस्तों, आप दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के बल बोलते हैं हम लोग सांपों को बचा पाते हैं और इन सांपों से इंसानों को बचा पाते हैं। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, आइए देखते हैं। ठीक है, हमें बताया गया था कि इसी जगह पे स्नेक है, तो संभावना है कि ये गैप जो है ना, इसी गैप में होगा सांप। तो इसी के हम देखते हैं, सांप इस देख दिख चुका है, यहाँ पे है। ये जो सांप है, ये इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग लोकल में धामन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बाहर निकालते हैं, क्योंकि अच्छे से दिखाएंगे बाहर में। पकड़ते हो नहीं? यूं तो देखा यूं लगते हैं, ये किसको कह रखी है? तो दोस्तों ये जो सांप है, हाँ सर, यहीं पर सांप पकड़ रहे, यहीं पर है, बोलो। देख सकते हैं ये जो सांप है, आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे हम लोग इंग्लिश में से इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है, जिसे धामन या फिर धामिन और भी घोड़ा पछाड़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत भागने में भारत देश का सबसे तेज दौड़ने वाला सांपों में से एक सांप है। ये पलक झपकती आपका आंखों से ओझल हो जाने वाला सांप है, अगर हम इसे अभी तुरंत छोड़ेंगे तो तुरंत ही ये बहुत तेज गति से भागता है। ये डेफिनेटली चूहा या फिर मेंढक के अपने में, यानी कि अपने शिकार के तलाश में आया होगा। या जो सांप है ये बिल्कुल ही बिना जहर वाला सांप है। इसकी बनावट और इसकी लंबाई को देखकर ही लोग डर जाते हैं काफ़ी, और इसी कारण से लोग इसे मार भी देते हैं, मगर कोई कोई शिक्षित होने के कारण से कभी कभी बहुत कई सांपों को नहीं मारते हैं। वो लोग अगर आमने सामने उनके पास रेस्क्यूअर रहता है तो उसे बुलाकर ही, जैसे कि अभी हमें जैसे बुलाया गया है, बस इसी तरह से सांपों को भी बचाने का कार्य में वो लोग मदद करते हैं। तो हम उनका थैंक्स कहना चाहेंगे जिन्होंने हमें कॉल किया था, इन्होंने हमें कॉल किया था, तो इनका धन्यवाद कि आपसे इन्हें सांप बचाने में हमें मदद किया। सांप जैसा भी हो, चाहे बिना जहर वाला या फिर जहरीला, सांपों को जानकारी नहीं होने के कारण से कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। तो बिल्कुल ही आप लोग कभी भी इस तरह से गलती ना करें, जैसे कि हम जिस तरह से पकड़े हुए, तो आप लोग भी सोचिएगा कि हम इसे पकड़ सकते हैं। तो अगर जानकारी है या फिर आप लोग शिक्षित यानी ट्रेनिंग किए हुए हैं तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं देखते हैं भाई साहब, हम पकड़े हुए खुशियां तो मारता है बे। नहीं इसका मार पूछिए तो काफी ये अद्भुत नजारा है, एक नए पर्सन सांप को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाह, ठंडा लग रहा। हाँ, बहुत ही मस्त। ये ठंडा ब्लड का होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होता है, इसीलिए लोग कभी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रकृति में से रिलीज कर देंगे।